लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए आइए, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे बीच पधारे। शंकर देखता क्या है, राम कसम ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं, इनकी आरती उतार। सुना नहीं क्या सेठ क्या बोला? फटाफट आरती उतार हमारे। ए फोकट मंडली के कप्तान, ये तेरा उधार खाता अब यहाँ नहीं चलेगा, अब यहाँ सिर्फ रोकड़ा चलेगा, रोकड़ा। अरे हो जाएगा तेरा हिसाब बाबू भाई, हो जाएगा। सिर्फ ये कबार अपना बाहर जाने का चक्कर चला ना, फिर अपना सब दोस्त लोगों का कड़की पो पो वो मतलब कड़की भाग जाएगा। आयो अन्ना, ये तो हमेशा के लिए बाहर ही जाना रे, हमारा कंट्री तेरे को बहुत झेल चुका है क्या? और तू, अरे यार, अरे क्या नाम है तेरा यार? मांगीलाल। पूरा नाम बोलना, मांगीलाल घनेपण। पर नाम के आगे तो बापू का नाम लगाते हैं, वो मेरे बापू का नाम है। वो जिंदा है क्या? नहीं, स्वर्गवास हो गया उनका। तो इन कलाकारों के रंग में रंगकर शांति पहुंचा रहे हो उनकी आत्मा को। अरे घनेपण, आगे का भी कुछ सोचा है कि नहीं? हाँ सोचा है। क्या? अभी तो बापू का घना माल पड़ा है, और बाद में जब मेरा बेटा पैदा होगा ना, तो वो कमा के खिलाएगा। वाह वाह, क्या उच्च विचार है। बाबू भाई, मैं एक फोन कर लेता हूँ। खबरदार, अगर मेरे फोन को हाथ लगाया तो। लड़कियों से चक्कर चलाता है, वो भी मेरे फोन से फोकट में। अरे बाबू भाई, अगर इसका कोई चक्कर चल गया तो फायदा भी तो आप ही का होने वाला है। फायदा मेरा कैसे? ये एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो नौकरी करती हो, माल लाती हो। अगर इसकी कड़की दूर हो गई तो आपका भी हिसाब कर देगा ना। पण स्त्री की कमाई खाना तो पाप है विजय। अरे घनेपण, स्त्री की कमाई खाना पाप है, बीवी की नहीं। तू जा फोन कर, जा निकल जाएगी यार। बाबू भाई, अब फोन करो। हाँ फोन करो, फोन करो, शादी करो और मेरा हिसाब चुकता करो। जाओ जाओ जाओ, फोन करो। और सुन, अगर कुछ बात आगे बढ़े ना तो 2000 रुपए एडवांस ले लेना, बाबू भाई का हिसाब कर देते हैं। वाह वाह, क्या आइडिया है। अरे तुम लोगों को इंटेलिजेंट तो मैं शुरू से ही मानता था। अच्छा बोलो, तुम लोग क्या क्या खाओगे? अरे भाई डराओ, इधर आओ, ये लोग जो मांगे इन्हें दो। आओ चलो। इंस्पेक्टर भाटकर बोल रहा हूँ। देखिए मैं भरत देसाई, देसाई इंटरनेशनल कंपनी, 36 लिंकी रोड से बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने फोन पे मार देने की धमकी दी है। आप ठीक से बताइए, किसने आपको फोन किया था? मैं उसकी आवाज पहचान नहीं पाया इंस्पेक्टर, आप फौरन आ जाइए। मैं आता हूँ। शर्मा जी साहब, जीप निकालो, चलो। जी साहब। Are you all right? Yes, sir. Don't worry. फिक्र मत कीजिए, हम लोग यहीं पर हैं. Okay? परसों रे. खून हो गया।
भैया क्या हुआ? कुछ नहीं, चल देर हो रही है। सुमन मेरी घड़ी और कोट कहाँ है? अभी लाती हूँ भैया। सुमन सुमन बुलाना बंद कर दो, अब थोड़ी ही दिनों में ब्याह कर चली जाएगी। अब दिनी कितनी बाकी रह गई? आप भी भाभी बस। हाँ मैं तो भूल ही जाता हूँ, ये तो हमें छोड़ के चली जाने वाली है। अच्छा अब रोने मत लगना, ले जाओ इसे स्कूल। मम्मी पापा मुझसे नाराज है, बात नहीं करते। अच्छा चलिए आप बात कीजिए इससे। नहीं मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, ये मेरी बात नहीं मानती, बहुत जिद्दी हो गई है। ठीक है चलो बुआ। अब बड़े भैया बोल दीजिए ना प्लीज। नहीं मैं इससे बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हाँ एक पप्पी जरूर ले सकता हूँ। बाय बाय पापा, बाय बाय मम्मी, बाय बाय। ये छोटे मियाँ कहाँ चले गए सुबह सुबह? कल कह रहे थे प्रशांत के भाई को एडमिशन दिलाना है। अच्छा दिखता नहीं है क्या इडियट? ए मैडम गलती मेरी नहीं आपकी है, कमाल है, खुद देखती किधर है और चलती किधर है। मैं जानती हूँ ये हरकत तुमने जानबूझकर की है। वैसे था तो इत्तेफाक, लेकिन मजा आ गया। क्यों धक्के से हिल गई ना? शट अप मैडम, इस टक्कर के लिए थोड़ी बहुत कसूरवार आपकी जवानी है जिसने आपकी चाल में नशा पैदा कर दिया है, और थोड़ा बहुत कसूर आपके इन जूतों का भी है। इस तरह क्या घूर रहे हो? संभालिए संभालिए, ये लड़कियां ऊंची हील पहनकर जमीन से उठने की बजाय कैरेक्टर से उठना क्यों नहीं चाहती? पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। क्या हुआ हनी, किसकी बात कर रही है तू? है एक लंगूर। छोड़ना। तू क्या लेगी? समोसे। मैं तो डोसा लूंगी। सुनो डोसा ले आओ और डोसा के पहले समोसे ले आओ, जल्दी जाओ जल्दी। क्या हुआ, कोई सीरियस बात है क्या? अब क्या हुआ, अब तेरी बुक को क्या हो गया? बहुत चलो 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 चलो। आपको शायद कंपनी की जरूरत है, एक कॉफी आप हमारे साथ पी लीजिए। अपनी ये अदा आप किसी और लड़की को जाके दिखाइए। उठिए उठिए। कमबख्त दिल को कोई जची ही नहीं जिस दिन से आपकी ये सूरत देखी है। क्यों भाई, पुरुष होकर पुरुषार्थ की पुंगी बजा रहे हो, एक अबला नारी को सता रहे हो? तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, इन्हें सबक भी मैं ही सिखाऊंगी। सूरत तो तुम्हें पहले ही जज गई थी, मिजाज कैसे लगा? अबला नारी हुँ? आज की अबला नारी तुम जैसों का तबला बजाना खूब जानती है। बहुत तीखी है भैया। मेरा एडमिशन? तेरा एडमिशन हो गया है? और कल से तुझे कॉलेज छोड़ने भी मैं ही आऊंगा। क्यों बात है कि नहीं मेरी भांजी में? वैसे हनी यहाँ की सबसे टॉप स्टूडेंट है, बहुत तेजी से पिकअप किया है इसने। वैसा ही पिकअप हनी की मामी का भी था।
मेरा मतलब है संगीत और नृत्य में। झगड़े में भी उसका बहुत पिकअप था, बड़ी जल्दी गुस्से हो जाती थी। मामा जी, इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुझे देखता चलूं। हेलो हनी, तुम डांस भी सीखती हो, कमाल है, कभी बताया नहीं। रितु मेरी भतीजी है। रितु बेटा हेलो बोलो। हेलो आंटी। कितनी प्यारी बच्ची है। सर मैं विजय सक्सेना। मैं भगवान दास, हनी का मामा। ओ मामा जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। तो होगी। मामा जी आप चलिए। अरे ठहरो तो, तूने विजय के बारे में कभी बताया नहीं, इतना अच्छा दोस्त है तुम्हारा। दोस्त? अच्छा, हमारी कोई दोस्ती नहीं है। अच्छा तो कड़ी उबल गई। हम छोटों का यही प्रॉब्लम है, बड़े बूढ़ों को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, जो सच है वो सच है। और फिर मामा जी से क्या छुपाना। क्यों मामा जी? वाह बड़ी अच्छी बात कही है तुमने, ऐसे विचार, ऐसा युवक आज के युग में। वाह बेटी, मुझे तेरी पसंद पसंद आई। भाभी तेरे देवर ने आज तीर मार लिया है, तू जल्दी से उसे शाबाशी दे। किया क्या तूने? तेरे लिए एक सुंदर सुंदर आहा, प्यारी प्यारी आहा बहू का इंतजाम कर दिया। सच? लेकिन है कौन? है कौन मतलब लड़की है? अरे बाबा लड़की है लेकिन है कौन? ऊपर वाले की फैक्ट्री का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, जैसे किसी प्रोडक्ट पे होता है ISI मार्क, ये है ILU मार्क। ILU? हाँ, इलू इलू मार्क। नारंगी सा रंग, नींबू जैसी सनसनाती ताजगी, ला 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 ला, मिर्ची जैसी तीखी। उसकी थोड़ी गड़बड़ है लेकिन मैं उसको लाइन पर ले आऊंगा। मेरा भैया, मेरा तकिया भैया के रूम में, चलता हूँ। पावला हो गया पागल के ही का। भैया आजकल शहर का मौसम कुछ बदला सा नहीं लगता आपको? मौसम? हाँ, आपको नहीं लगता कुछ चेंज? चेंज? क्या कह रहा है, क्या हो गया तुझे? हवाओं का रुख कुछ बदल सा गया है, धूप में तपन तो है लेकिन थोड़ी ठंडक लिए हुए, सुबह कुछ ज्यादा खिली खिली, शाम कुछ ज्यादा मुस्कुराती हुई। ओह मेरा तकिया, हाँ ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा। क्या हो गया इसे? ऐसी हालत तो तभी होती है जब तू मेरे को बहुत अच्छी लगती है। सो जा, तू क्यों रोती है? तू भी बहुत अच्छी लगती है, सो जा। पूछ मैंने तेरी पप्पी क्यों ली? आपने मेरी पप्पी क्यों ली? तेरा डांस स्कूल बहुत अच्छा है। मेरे डांस स्कूल से पप्पी का क्या कनेक्शन? मुझे? आ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, आ ना। ये आज सूरज कहाँ से निकला? अरे अरे यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। बहुत तेज हो तुम, आखिर तुमने दीवाना बना ही डाला मुझे। जय हनी। आज की मुलाकात मेरी स्कीम में ही नहीं थी। अरे हनी तू विजय के साथ, आखिर तुझे वो हो ही गया, मुझे मालूम था कि एक दिन वो होना ही था। अच्छा तुझे मालूम था, तो बस समझ ले हो गई मोहब्बत। वाओ तो अब एक आइसक्रीम की पार्टी हो जाए।